संध्या के घर में उस समय हड़कंप मच गया जब उसके घर वालों को पता लगा कि वो गर्भवती है। संध्या भी कुमारी है और इस तरह कुमारी लड़की का गर्भवती हो जाना परिवार और समाज की नजर में पाप के समान ही माना जाता है। बड़ा शहर हो तो फिर भी लोग इस चीज को पचा लेते हैं, लेकिन छोटे से गांव में अगर इस तरह कोई लड़की गर्भवती हो जाए तो वो खुद के लिए मुसीबत तो लाती ही है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी चिंता का समंदर लेकर आती है। हे भगवान, क्या तुझे इसी दिन के लिए हमने पैदा किया कि तू दूसरे से मुंह काला करवाए? माँ, ऐसा मत कहो, मैंने कहीं मुंह काला नहीं करवाया। चुप चुप कर, ये मुंह काला नहीं करवाया तो फिर क्या किया है तूने? तुझे पता भी है कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है तूने। अगर ये बात गलती से भी किसी को पता लग गई तो पहले तो गांव वाले हमारा हुक्का पानी बंद करेंगे, उसके बाद हम सभी को गांव से निकाल देंगे। हाँ, संध्या का परिवार बहुत सीधा साधा था। उसके पिता किसान थे, घर में उसकी एक और छोटी बहन बिंदिया थी जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। संध्या के इस तरह गर्भवती हो जाने से उसकी माँ को बिंदिया के भविष्य की भी चिंता होने लगी थी। इस लड़की ने तो पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे, अरे खुद तो खड्ड में गिरी ही, हम सभी को उसमें डाल दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे मारकर खेत में गाड़ दूं, या नहीं तो खुद फांसी पर लटक जाऊं। ऐसा मत कहिए जी, गुस्से पर काबू रखिए और ठंडे दिमाग से कोई रास्ता निकालिए। बेचारी संध्या के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, पल में ही वो सबकी नजरों से गिर गई थी। गांव के एक लड़के विवेक से उसका प्रेम संबंध था और प्रेम में वो दोनों सारी सीमाएं लांघ चुके थे। एक दिन संध्या ने उससे अपने गर्भवती होने की बात कही तो, अब क्या होगा विवेक, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे तुम काहे चिंता करती हो, मैं हूँ ना, शादी करूंगा तुमसे, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपनाऊंगा। विवेक ने संध्या से ये कह तो दिया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन खुद दहेज के लालच में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। संध्या का मन तो किया कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन वो अपने होने वाले बच्चे की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी और घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसके घर वालों को उसके गर्भवती होने का पता लग गया। सुनिए, मैंने संध्या के लिए एक लड़के का पता लगाया है, दूसरे गांव का है वो, बहुत ही गरीब लोग हैं वो, ज्यादा दहेज की मांग भी नहीं है उनकी, बहुत सीधा साधा परिवार है उनका। अरे उन्हें कुछ पता तो नहीं लगेगा ना? अरे कुछ भी पता नहीं लगेगा, बस किसी तरह इसकी शादी हो जाए, नहीं तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। संध्या के घर वालों ने उसकी शादी जमालपुर गांव के प्रमोद से कर दी। प्रमोद का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके सास ससुर और ननद का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। शादी के दूसरे दिन ही संध्या को पता लगा कि प्रमोद के घर में शौचालय नहीं है। उसकी ननद ने उसे बताया कि उसे सुबह सुबह ही खुले में शौच के लिए जाना होगा। ये सोचकर संध्या चिंता में पड़ गई। अरे भाभी, चिंता की क्या बात है इसमें, गांव में कई घरों में शौचालय नहीं है, सारी औरतें तो खुले में ही जाती हैं। संध्या खुले में ही शौचालय जाने लगी। एक दिन की बात है, एक दिन संध्या झाड़ियों के बगल में शौच कर रही थी, तभी उसके पेट में जोर का दर्द उठ गया। आ, आ, ये मेरे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया? संध्या का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वो जोर जोर से कराहे जा रही थी। और जब उसके कराहने की आवाज रुकी तो फिर वहाँ एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। संध्या ने एक बच्चे को जन्म दिया था। संध्या ने जब उस बच्चे को देखा तो उसकी ममता उस पर उमड़ पड़ी। उसने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा मुन्ना, मत रो मेरे बेटे, मत रो। संध्या ने उसे बहुत प्यार किया, उसे पुचकारा, लेकिन उसे वापस अपने ससुराल भी तो जाना था और वो इस बच्चे को लेकर ससुराल तो नहीं जा सकती थी। क्या करूं मैं, कैसी असहाय माँ हूँ मैं जो अपने बच्चे को लेकर अपने घर भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो जंगली जानवर तो इसे मार देंगे। एक काम करती हूँ, मैं इसके लिए छोटा सा पत्तों का घर बना देती हूँ और इसे उसी में रख देती हूँ, मैं इसे हर दिन देखने आया करूँगी। संध्या ने पत्तों का बिस्तर और पत्तों का घर बनाया और अपने बेटे को उसी में रख दिया। हर दिन वो अपने बच्चे को सुबह और रात को देखने जरूर आती, उसे दूध पिलाती, उसे गोद में खिलाती और उसे लोरी गाकर सुलाती भी। सो जा मुन्ने सो जा, लाल पलंग पर सो जा, निंदिया रानी आएगी, मुन्ने को सुलाएगी, राजा बेटा सो जा, प्यारा बेटा सो जा। संध्या अपने बच्चे को अपने पास तो रख नहीं सकती थी,
लेकिन वो उसे अपने पास रखे बिना भी उसका पूरी तरह ध्यान रख रही थी। लेकिन एक बार की बात है, संध्या जब अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा वहां नहीं था, वो तो वहां से गायब हो गया था। अरे मेरा मुन्ना, कहाँ गया मेरा मुन्ना? संध्या ने अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका से संध्या का दिल बहुत घबरा रहा था, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मेरा मुन्ना कहाँ गया, मेरा बेटा, मेरा लाल, अरे कहाँ खो गया मेरा लाल, मुन्ना मुन्ना। संध्या ने अपने बच्चे की बहुत तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। इसके बावजूद भी संध्या हर दिन उसी जगह पर इस आस में आती कि उसका बेटा उसे मिल जाएगा। असल में उसके बेटे को एक गर्भवती बंदरिया उठाकर ले गई थी। उस बंदरिया के पहले से 4-5 छोटे बच्चे भी थे। एक रात की बात है, संध्या का बेटा रात को नींद से जागकर भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा था। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने वाली उस बंदरिया ने जब उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो उसे उठाकर न सिर्फ अपने साथ ले गई बल्कि उसे दूध भी पिलाया और अपने बच्चों के साथ ही उसे पालने लगी। उधर संध्या, पता नहीं मेरा नन्ना सा लाल कहाँ होगा, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। तमाम आशंका के बावजूद रोती बिलखती संध्या हर दिन और रात को अपने बच्चे की तलाश में जाती रही। दुख के कारण उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था और वो हमेशा उदास रहती थी। उसके ससुराल वाले जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछते तो वो कहती, नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक रात की बात है, संध्या जब फिर से अपने बच्चे की तलाश में निकली तो उसके पीछे उसका पति, सास, ससुर और ननद सब निकल पड़े। संध्या उसी जगह पर पहुंची जहां उसने अपने बेटे के लिए पत्तों का घर बना रखा था। वो वहां पर बैठकर रोने लगी और, हे भगवान, कुछ तो दया करो, मेरे मुन्ने को क्यों मुझसे दूर कर दिया, मुझे मेरा बेटा लौटा दो भगवान, लौटा दो। संध्या के ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, संध्या क्यों रो रही है और वो अपने किस बेटे की बात कर रही है। पूरी रात संध्या उसी पत्तों की झोपड़ी के पास बैठकर रोती रही। अगले दिन की बात है, संध्या को एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। ये माँ की ममता कहें या एक माँ का अपने बच्चे की आवाज को पहचानना। उस आवाज को सुनकर, अरे ये तो मेरे मुन्ने, मेरे लाल की आवाज है। संध्या आवाज की दिशा में भागने लगी, उसके पीछे पीछे उसके ससुराल वाले भी चलने लगे। कुछ दूर जाने पर संध्या ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके छोटे से बच्चे को एक बंदरिया ने अपनी गोद में एक माँ की तरह उठा रखा है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। उस बंदरिया के आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, वो भी अपनी माँ के साथ साथ संध्या के बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। संध्या ने जब ये देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और उस बंदरिया के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप जानवर हैं, लेकिन जानवर आप नहीं, हम इंसान हैं, क्योंकि इंसान तो स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। मैंने भी अपना स्वार्थ देखा, मेरा घर न टूटे इसलिए इस बच्चे के बारे में अपने ससुराल वालों को नहीं बताया और इसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं, आप इसे मुझे दे दें, ये मेरा बेटा है। माना कि मैंने गलती की थी और मेरी गलती के कारण ही ये पैदा हुआ, लेकिन ये है तो मेरा ही खून, मेरा ही टुकड़ा। मैं अपने ससुराल वालों से सब कुछ सच सच बता दूंगी, अगर उन्होंने मुझे स्वीकार किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहकर संध्या ने अपने बेटे को बंदरिया के हाथ से ले लिया। उसके ससुराल वाले जो ये सब कुछ देख रहे थे, ये दृश्य देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने न सिर्फ संध्या को माफ कर दिया बल्कि उस बच्चे को भी स्वीकार कर लिया। पाती ठंड में लोगों की हड्डियां तक कांप रही थी, रास्ता बर्फ की सफेद चादर से ढक गया था। उर्मिला तीन बच्चियों को हाथ में उठाकर रास्ते से चल रही थी। वो तीनों को गर्दन से पकड़ी हुई थी और तेजी से चल रही थी। मुझे ये काम जल्दी निपटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। वो खुद गर्भवती थी तो फिर ये तीनों बच्चियाँ किसकी थी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उर्मिला चल रही थी, इतने में अचानक से एक कड़कड़ाती हुई बिजली आसपास ही गिरी। पूरे इलाके में कुछ सेकंड के लिए रोशनी छा गई और उस रोशनी में उर्मिला ने देखा कि वो नदी के बहुत पास आ गई है। चलो कुछ ही मिनट में मेरा काम तमाम हो जाएगा। उर्मिला फिर से चलने लगी और अचानक से भयानक बारिश शुरू हो गई। एक तो ठंड और ऊपर से ये बारिश। बच्चियों के शरीर में स्वेटर तो छोड़ो, कोई कपड़ा तक नहीं था।
वो ठंड के मारे रोने लगी। ए चुप हो जा, फालतू में रोती रहती है। बारिश के पानी से इतना डरेगी तो नदी में तैरेगी कैसे? तब तो हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाना पड़ेगा। उर्मिला नदी के पास पहुंच गई और तीनों को नदी के पानी में फेंक दिया। चलो बात खत्म, अब सब कुछ हमारा होगा। बच्चियां पानी में डूब गई और उर्मिला घर वापस चली गई। लेकिन कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वो तीनों छोटी छोटी बच्चियां ही तो थी। आखिर उनकी गलती क्या थी? क्यों उर्मिला इतनी निर्दयी हो गई? किस चीज के लालच में? उर्मिला की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और 1 साल बाद उसकी देवरानी मिथिला बहू बनकर उसी घर में आ गई। मिथिला शांत स्वभाव की थी, वो हमेशा हंसती रहती और सबको एक साथ लेकर चलना पसंद करती थी। लेकिन उर्मिला के मन में अहंकार और लालच था। उर्मिला कामचोर थी और उसका पति राजेश भी कामचोर ही था। राजेश और रमेश दोनों एक फैक्ट्री चलाया करते थे, लेकिन सारा काम मिथिला का पति रमेश ही करता था। राजेश तो बस पैसा लेने के लिए फैक्ट्री में जाता था। उधर उर्मिला से उसकी सास परेशान थी और मिथिला घर में आते ही सबका मन जीतने लगी। वाह छोटी बहू, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया। हाँ माँ, सच? ठीक है, मैं रात को और भी अच्छा खाना बनाऊंगी। जरूर बनाना। छोटी बहू, तुम्हारे आते ही घर का नक्शा बदल गया, घर में खुशी छा गई है। इसीलिए मिथिला से उर्मिला जलती थी। उर्मिला और राजेश को पैसों का लालच था, इसीलिए एक दिन वो दोनों एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने दोनों का हाथ देखकर कहा, पैसा तो तुम्हें मिलने नहीं वाला है। तुम क्या, तुम्हारे बच्चों को भी पैसा नहीं मिलेगा? मतलब क्यों नहीं मिलेगा? कोई तो आने वाला है या आने वाली है, सारी प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। मैं तो इतना ही देख पा रहा हूँ। ज्योतिषी की बातों से उर्मिला बहुत चिंता में पड़ गई और घर लौट कर देखा कि उसकी सास बिमला खुशी मना रही है। अरे आओ आओ बड़ी बहू, खुशी का मौका है, तुम भी मिठाई खाओ। खुशी का मौका? किस बात की खुशी है माँ जी? अरे छोटी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनकर उर्मिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे ज्योतिषी की बात याद आ गई। ज्योतिषी की बात तो सच निकली, मतलब इस मिथिला के बच्चे ही हमारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। घर में खुशी थी। बिमला अपनी छोटी बहू को सर पर चढ़ाकर नाच रही थी। रमेश भी खुश था। इतने में बिमला ने घोषणा कर दी, सुनो सब लोग, इस घर की परंपरा के हिसाब से सबसे बड़े बेटे या बेटी को ही सब कुछ मिलेगा। ये फैक्ट्री, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ उसी की हो जाएगी। और ये सुनकर तो राजेश और उर्मिला के होश ही उड़ गए। रात को उर्मिला ने राजेश से कहा, सुना तुमने, माँ जी ने जानबूझकर ये बोला है, वो हमें या हमारे बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहती है। सुना, हमें भी अब कुछ करना चाहिए, मुझे भी बेटा चाहिए उर्मिला। 2 दिन के अंदर उर्मिला भी प्रेग्नेंट हो गई। घर में 2 गुनी खुशी छा गई। ऐसे ही दिन बीतता रहा। बिमला ने 10 नौकर रख दिए ताकि किसी भी बहू को काम न करना पड़े। उर्मिला बस ये चाहती थी कि किसी भी तरह मिथिला से पहले उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 महीने बाद मिथिला ने ही सबसे पहले 3 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बिमला की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो हमेशा से ही पोती चाहती थी, लेकिन उर्मिला को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब सब कुछ उसके हाथ से जाने वाला था। इसीलिए इस ठंड के समय में भी उसने अपने पति के साथ मिलकर प्लान बनाया और तीनों बेटियों को आज नदी में फेंक दिया। तीनों बेटियां डूब गई। बेचारी नवजात बच्चियां और कब तक पानी के बहाव से जूझ पाती। वो पानी के नीचे जाती गई, उनके फेफड़ों में पानी घुसता गया। जब बचने की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं बची, तब वहाँ एक बड़ी सी मछली आ गई। तीनों बच्चियों को डूबते देखकर उसे बहुत दया आई। अरे ये क्या, इन नादान मासूम बच्चियों को नदी में किस बेरहम ने फेंका है? ये बच्चियाँ तो मर जाएंगी, क्या करूँ, इन्हें कैसे बचाऊँ? तभी उनमें से एक बच्ची ने रोते हुए कहा, अबे बचाओ मछ,
सुनकर मछली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने दिमाग लगाया और तीनों बच्चियों को निगल लिया। मेरे पेट के अंदर बहुत जगह है, मैं पानी से सांस ले सकती हूँ, तुम लोग भी उसी सांस से सांस ले लेना। तीनों बच्चियां मछली के पेट के अंदर चली गई और वहां जाकर वो तीनों सांस ले पाई। ऐसे ही तीनों की जान बच गई। लेकिन अगले दिन एक हादसा हुआ। एक मछुआरा नदी में नाव लेकर मछली पकड़ने आया और उसके जाल में वही बड़ी सी मछली फंस गई। अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई, बहुत बड़ी मछली मिली है, बहुत पैसा मिलेगा। वो उस मछली को लेकर बाजार में चला गया और बाजार में उस मछली की नीलामी हुई और उस नीलामी में एक अमीर आदमी ने उस मछली को खरीद लिया। उस आदमी का नाम मोहन था और मोहन बिमला का ही एक दूर का रिश्तेदार था। मोहन उस मछली को लेकर घर गया और उसकी पत्नी शीतल मछली को काटने लगी। जैसे ही मछली को दो हिस्सों में काटा गया, वैसे ही उसके अंदर से तीन बच्चियां बाहर आ गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे ये क्या, मछली के अंदर से बच्चियां कैसे निकली? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बहुत सोचने के बाद मोहन ने कहा, चलो अच्छा है, हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम इन तीन बच्चियों को ही खुद की बेटी की तरह पालेंगे। मोहन और शीतल तीनों बच्चियों का पालन पोषण करने लगे। उधर अपनी बच्चियों को खोकर मिथिला पूरी तरह से टूट गई। कहाँ गई मेरी बेटी? मेरा क्या होगा? मेरी बेटी लौटा दो। हौसला रखो मिथिला, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। बिमला अपनी तीनों पोतियों को खोकर पागल सी हो गई थी और इन सब का फायदा सीधे उर्मिला और राजेश को हुआ। उर्मिला ने एक बेटी को जन्म दिया और घर में उसी का राज चलने लगा। उर्मिला ने उसका नाम पूजा रखा। पूजा भी उर्मिला की तरह घमंडी और निर्दयी बनने लगी। बिमला पागल थी और रमेश मैथिली को संभालने के लिए घर पर ही रहने लगा। उधर राजेश इस बात का फायदा उठाने लगा, फैक्ट्री से पैसों की चोरी करने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे और उधर मैथिली की तीनों बेटी मोहन के पास बड़ी होने लगी। ऐसे ही 5 साल बीत गए। एक दिन उर्मिला ने बिमला से कहा, माँ जी अब मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, अब उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। नहीं, मेरी तीन पोतियाँ आएंगी, वो तीनों लौट के आएंगी। आप उसी उम्मीद में बैठे रहिए, वो नहीं आएंगी, जो है अब सब मेरी बेटी का है। इसी तरह उर्मिला बिमला का ब्रेन वॉश करती रही। दूसरी ओर मिथिला की तीन बेटी राधा, रत्ना और रिंकू भी 5 साल की होने वाली थी। उनके जन्म दिन पर मोहन एक बड़ी सी पार्टी रखने वाला था। उस पार्टी में सबको आमंत्रण देने के लिए वो घर घर जाकर कार्ड बांटने लगा और उसी के सिलसिले में वो बिमला के पास भी आ गया। बिमला चाची, मेरी बेटियों के जन्मदिन पे जरूर आना और सबको लेकर आना। तेरी बेटी? तेरी बीवी तो बांझ थी ना? हाँ थी, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बेटी मिल गई, आप जरूर आना। मोहन चला गया और 2 दिन बाद जन्मदिन की पार्टी थी और वो दिन भी आ गया। बिमला समेत पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगा। आज तो मेरी बेटियों का भी जन्मदिन है, आज ही के दिन तीनों ने जन्म लिया था। अब क्या कर सकते हैं मिथिला, जो होना था वो तो हो गया। उर्मिला अलग ही प्लान बना रही थी। उस पार्टी में बिमला को खाने के साथ नींद की गोली खिलाकर सब कुछ हड़प लेने का प्लान था। शाम होते ही वो सब मोहन के घर चले गए। उसी दिन दोपहर को मोहन ने नदी में मछुआरों को भेजा था। बहुत सारी मछलियाँ लाई गई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 1 साल पहले उसी मछली का पुनर्जन्म हो चुका था और वो उसी नदी में रहती थी। उसे पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता था। आज मछुआरों के जाल में वो मछली भी आ गई और उसे भी यहाँ लाया गया। लेकिन जब जब उस मछली को कड़ाही में डाला गया, वो मछली छलांग लगाकर बाहर निकल गई, इसीलिए उसे अलग से रख दिया गया। शाम होते ही सब लोग खाना खाने बैठ गए। तीनों बच्चियां मिथिला के पास आई। चाची, पेट भर के खाना खाना ठीक है? उसे देखकर मिथिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटियों की याद आ गई।
पूजा ने कहा। हाँ हाँ खा लेंगे, ऐसा भी क्या खिलाएगा तेरा बाप। पूजा अहंकार से भरी हुई थी। बिमला खाना खाने लग गई और उर्मिला ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी। बिमला निवाला लेने ही वाली थी कि तभी कहीं से वो मछली छलांग लगाती हुई सामने आ गई और बिमला को धक्का मारा। बिमला का खाना गिर गया। मत खाओ ये खाना, ये साजिश है, आपकी बड़ी बहू ने दवाई मिलाई है इसमें। सभी चौंक गए। उर्मिला ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मेरी बेटी बड़ी है और कोई नहीं है जो घर का वारिस बन सके। मेरी बेटी के नाम पर सब कुछ लिख दो। किसने कहा कि और कोई नहीं है? ये तीनों बेटियां हैं ना, ये तो उसी घर की बेटी हैं। क्या ये मेरी बेटी है? उस मछली ने सब कुछ बता दिया। बिमला और राजेश की पोल खुल गई। मिथिला अपनी बेटियों को गले लगाकर बहुत रोई। उन बेटियों को भी असली माँ मिल गई। बिमला का दिमागी संतुलन भी ठीक हो गया और उसने राजेश और उर्मिला को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे ही खोई हुई बेटियाँ एक मछली के सहारे वापस आ गई और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नदी का पानी अपने पूरे उफान पर था। नदी की उस तेज धार में लहरों से लड़ती गर्भवती सुमित्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत थक गई थी और दूसरा उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। आ, 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 हे भगवान, आ, आ। कुछ देर बाद पानी में ही सुमित्रा ने तीन बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चियों को जन्म देते ही वो लहरों का शिकार होकर दूर बहती हुई निकल गई। आ, मेरी बच्चियां। सुमित्रा की मौत हो गई। उधर कुछ ही दूरी पर तैर रही एक विशालकाय मछली की नजर पानी के बीच उन बच्चियों पर पड़ी। मछली तेजी से उनकी ओर बढ़ी। बच्चियां लगातार रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो मछली उन बच्चियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और तीनों को निगल गई। अगले दिन की बात है, नदी के दूसरे किनारे पर हीरा मांझी नाम का एक मछुआरा मछली का जाल नदी में फेंक कर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। कई दिनों से केवल छोटी मछलियां ही जाल में फंस रही हैं, और वो भी थोड़ी। अचानक हीरा को अपने जाल में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अपने जाल को खींचने लगा। अरे, जाल तो बहुत भारी लग रहा है, इसे खींचने में मेरा दम फूल रहा है, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। हीरा ने अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, हे इतनी बड़ी मछली, सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फार कर देता है। मजा आ गया, इसके तो बाजार में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हीरा उस मछली को लेकर मछली बाजार में गया। मछली बाजार में जिसने भी उस मछली को देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। वाह हीरा भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने, इतनी बड़ी मछली तो हमारे हाथ कभी नहीं लगी। क्यों नजर लगा रहे हो भाई, और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ऐसी मछली हर दिन मेरे हाथ लगती है। पिछले कई दिनों से छोटी छोटी मछलियों से ही गुजारा चल रहा था मेरा, यह तो आज जल देवी की मेहरबानी हो गई और मेरे जाल में यह फंस गई। उसके बाद हीरा बाकी लोगों की तरह अपनी मछली को बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। मछली ले लो, मछली, सबसे बड़ी मछली। मछली बाजार में उस दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ गोविंद राय भी एक बड़ी मछली की तलाश में आए थे, क्योंकि आज उनके यहाँ एक भोज था जिसमें वो गरीबों को मछली और भात खिलाने वाले थे। हाँ, काफी देर हो गई, लेकिन जितनी बड़ी मछली मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं रही, लगता है छोटी छोटी मछलियाँ ही लेकर जाना होगा। तभी गोविंद राय की नजर हीरा और उसकी मछली पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे भाई, तुम्हारी मछली तो बहुत बड़ी है, मुझे इसी की जरूरत है, कितने का दिया ये? हीरा की नजर गोविंद राय पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। अब शहर का सबसे अमीर आदमी उसके पास खड़ा था तो किसी का भी दिल मचल जाता। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि साहब, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा, बहुत मेहनत से पकड़ा है मैंने इसे। अच्छा अच्छा, ये लो 10,000 रुपए
और ये मछली मेरी गाड़ी में रख दो। गोविंद राय उस मछली को लेकर घर आ गए और अपने नौकरों से उसे बनाने के लिए बोला, लेकिन जैसे ही उनके नौकर ने मछली का पेट फाड़ा उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भागता हुआ गोविंद राय के पास गया। गोविंद राय उस समय अपनी पत्नी शांति के पास बैठे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम, मछली के पेट में इंसान का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, एक नहीं तीन तीन बच्चियाँ मछली के पेट में हैं। गोविंद राय और उसकी पत्नी रसोई की ओर भागे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। तीन छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ मछली के पेट में पड़ी रो रही थी। शांति और गोविंद राय ने तुरंत उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में वो अनमोल चीज आ गई जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से परेशान थे। भगवान भी अद्भुत लीलाएं दिखाता है, देखिए आज उन्होंने मेरी गोद भर दी, एक नहीं तीन तीन बच्चियां उन्होंने हमें दे दी जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। सच में भगवान अद्भुत लीलाएं ही तो दिखाता है। इन तीन बच्चियों को मारने की पूरी साजिश हुई लेकिन ये जिंदा थी और शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में थी। इन्हें मारने की साजिश रचने में इन बच्चियों के परिवार वालों का हाथ था। इनकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सुमित अपनी पत्नी काम्या, अपनी माँ विमला देवी, अपने पिता राजेंद्र नाथ और अपनी बहन कनिका के साथ पूरी स्पीड में कार से नदी की ओर चला जा रहा था। उन दिनों अत्यधिक बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वे सभी नदी के किनारे पहुँचे। वैसे तो इस तरफ कोई नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग नजर रखो। ठीक है भैया। उसके बाद सुमित अपनी कार से बाहर निकला, उसके साथ उसकी पत्नी काम्या भी थी। वो दोनों गाड़ी के पीछे डिक्की के पास गए। सुमित ने डिक्की खोली, डिक्की में एक बॉक्स रखा था। सुमित और काम्या उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करने लगे। सुमित, ये तो बहुत भारी है। हाँ भारी तो है, सुनो ना, इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर से उसे निकाल देते हैं, बाद में इस बॉक्स को भी यही नदी में फेंक देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। सुमित और काम्या ने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक गर्भवती औरत जिसका नाम सुमित्रा था वो अचेत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उसे संभाल कर निकाला और नदी के किनारे ले गया। मारो इसे धक्का और पाओ मुक्ति। उसके बाद काम्या और सुमित ने गर्भवती सुमित्रा जो सुमित की पहली पत्नी थी उसे नदी में धक्का दे दिया। काम्या सुमित की दूसरी पत्नी थी। सुमित और उसके परिवार वालों को लड़के की चाहत थी लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि सुमित्रा के पेट में लड़कियां हैं और वो भी एक नहीं तीन तीन तो। देखो मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं चाहता कि तुम इन बच्चियों को जन्म दो, इसलिए तुम इसे कोख में ही मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं, भला एक माँ अपने बच्चों को मार दे, ये कैसे हो सकता है? भाभी भैया जो कह रहे हैं वो करिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। सुमित बेटा, मैंने कहा था ना कि ये पागल है, ये हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम दूसरी शादी की तैयारी करो, अब उसके बाद इसका और इसकी बच्चियों का क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। सुमित ने काम्या के साथ दूसरी शादी कर ली और उस दिन के बाद से तो सुमित के परिवार वालों और खुद काम्या ने उसका जीवन नरक बना दिया। वो ना तो उसे ठीक से खाना देते, ना ही पहनने को कपड़े, ऊपर से पूरा परिवार उसे बेरहमी से मारता था। सुमित, मेरे तो हाथ ही थक गए, अब तुम्हें इसकी हेकड़ी और इसे घर से निकालो। आप लोग मार मार कर मेरी जान ले लीजिए लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ नहीं जाओगी, रुको तुम्हें बताता हूँ। माँ जरा मोमबत्ती जलाकर तो ला। बेरहम सुमित न सिर्फ मोमबत्ती की लौ से उसके चेहरे और शरीर को जलाता बल्कि उन घावों पर नमक और मिर्च भी डालता। सुमित्रा बेचारी चीखती और चिल्लाती, आह आह छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बहुत जलन हो रही है। दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गई। उसके बाद, सुनिए जी, ये मार खाती रहेगी लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी, क्यों ना इसे हम एक लकड़ी के बक्से में डालकर नदी में फेंका, एक बार में सारा का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने वही किया। बहरहाल समय का पहिया आगे बढ़ता गया। सुमित्रा की तीनों बेटियां जिसका नाम गोविंद राय और उसकी पत्नी ने लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती रखा था, बहुत ही प्यार से उनके यहाँ अच्छे संस्कारों के साथ पलने लगी। इस बीच सुमित की पत्नी काम्या ने एक लड़के को जन्म दिया। सुमित और उसका परिवार तो बेटा चाहता ही था, इसलिए उसके जन्म के बाद तो घर में खुशियों का त्योहार मनाया जाने लगा। वाह काम्या वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, बेटा। हम इसे युवराज की तरह पालेंगे और इसका नाम भी होगा युवराज। सुमित और उसका परिवार युवराज से बहुत प्यार करता, उसकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी।
समय और आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ा युवराज की डिमांड भी आगे बढ़ी। वो इतना जिद्दी हो गया कि अगर कोई उसकी एक बात नहीं मानता तो आफत आ जाती। युवराज के 21वें जन्मदिन की बात है। ए बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत दे मुझे, हाँ समझी, नहीं तो एक लात मारूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। युवराज बेटा, अपनी दादी से क्या कोई ऐसे बात करता है? देखो माँ, तुम भी मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करनी है या नहीं करनी है। मुझे ये बाइक चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं इस बुढ़िया की किडनी बेच दूंगा। अरे मेरे पोते, ऐसा क्यों कह रहा है? अब तक ऐसा हुआ है कि तुमने जो मांगा वो नहीं मिला, लेकिन वो क्या है ना कि अभी तुम्हारे पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है इसीलिए। अरे तो फिर बुआ को बोलो ना नाचने का काम करे, नाचने वाली को बहुत पैसे मिलते हैं। कल ही मैं 20,000 रुपए नाचने वाली को देकर आया हूँ। अपने परिवार के लाड प्यार में युवराज पूरी तरह बिगड़ गया था। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर आ गई थी। वो नशा करता, चोरी करता, जुआ खेलता, नाच देखने क्लब में जाता, पापा के ऑफिस से पैसे चोरी करता। युवराज, युवराज, तुमने आज ऑफिस से फिर 50,000 रुपए बिना मुझसे पूछे लिए। इसमें पूछना क्या पापा, हाँ मैं कोई नौकर हूँ क्या कि पूछूँ? इस घर का मालिक हूँ ना। हाँ हो तो मालिक, लेकिन इस तरह हजारों हजारों रुपए कहाँ खर्च करते हो? क्या पापा, क्या बकवास सवाल कर रहे हो, हाँ जवाब दूँ? अय्याशी करता हूँ, चलिए कभी मेरे साथ चलिए, क्या दिन भर बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। सुमित काफी दिनों से अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज तो हद हो गई, इसलिए उसने गुस्से में उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखिए पापा, आप बाप हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो करेंगे मैं सह लूंगा। हाथ मेरा भी उठ सकता है, इसलिए हाथ संभाल कर रखिए, नहीं तो तोड़ दूंगा। युवराज की इस बेशर्मी पर पूरे परिवार को गुस्सा आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि युवराज को बिगाड़ने में उनका ही हाथ था। कई बार तो युवराज के दादा और दादी ने ये भी कहा कि अगर पोता ऐसा होता है तो इससे अच्छा था कि भगवान हमें पोती ही दे देता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। एक दिन युवराज ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चोरी से करवा ली और उन सभी को घर से निकाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये पापा है तुम्हारे। माई डियर लेडी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, मुझे पैसों से यारी है, प्रॉपर्टी से यारी है और अब ये सब कुछ मेरा है, इसलिए एक मिनट के अंदर सभी के सभी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। समय बहुत बलवान है। समय के चक्र ने सुमित और उसके परिवार के सामने ये स्थिति ला दी कि उन्होंने मंदिर के आगे भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि सुमित और काम्या दोनों के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। विमला के पति का देहांत हो गया था, सुमित की बहन कनिका के शरीर में भी बड़ा सा घाव हो गया था जिसमें कीड़े बुलबुलाते रहते थे। इस बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। एक दिन की बात है, वे सभी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे, तभी वहाँ पर लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती आई। ये वही दिन था जब सेठ गोविंद राय को तीनों बच्चियाँ मछली के पेट में मिली थी, इस कारण वो इस दिन उन बच्चियों का जन्मदिन मनाते थे और गरीबों को ढेर सारा दान किया करते थे। गोविंद राय ने तीनों बच्चियों की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। लक्ष्मी डॉक्टर थी, दुर्गा पुलिस में थी और सरस्वती अपने पिता का बिजनेस संभालती थी। जब तीनों बच्चियां दान कर रही थी तभी उनकी नजर सुमित के परिवार पर गई। उसे देख उन्हें बहुत दया आई, उन्होंने उन्हें भी ढेर सारी खाने की चीजें और कपड़े दिए। साथ ही सुमित की माँ की ओर देखकर उन्होंने कहा, दादी माँ जी देखिए मैं डॉक्टर हूँ, आप जैसे लोगों के लिए मैंने अस्पताल खोला है जहाँ मैं मुफ्त में इलाज करती हूँ, कृपया मुझे मौका दें कि मैं आपके परिवार वालों का इलाज कर सकूं। सुमित की माँ ने जब उन बच्चियों की ओर देखा तो पता नहीं उन्हें देखकर ऐसा क्यों लगा कि उनकी मरी हुई बहू उनके सामने आ गई है। बहरहाल अगले दिन वो अपने बेटे, बहू और बेटी को लेकर लक्ष्मी के अस्पताल में गई, वहाँ पर उनका इलाज शुरू हुआ। वहीं सुमित की माँ को पता लगा कि सालों पहले सेठ गोविंद राय को ये बच्चियाँ मछली के पेट में मिली थी। हो ना हो, ये सारी बच्चियाँ सुमित्रा की हैं। इनके नए नक्श उससे मिलते हैं। सालों पहले कितनी बड़ी भूल हो गई थी हमसे, जिस बेटे के चक्कर में हमने अपनी गर्भवती बहू को नदी में फेंका था, आज उसी की बच्चियाँ हमारे काम आ रही हैं। विमला देवी ने उन बच्चियों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किस मुंह से कहती कि उन लोगों ने ही उनकी माँ को मारा है और उन बच्चियों को भी मारने की कोशिश की थी। बहरहाल लक्ष्मी के इलाज से सुमित, काम्या और कनिका की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन विमला देवी ने उन बच्चियों की असलियत उन्हें बताई।
उन सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।